हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माच मिस्टी मोड। आज हम आपके लिए लाए हैं नया ट्रैवल ब्लॉग। जी हाँ, हम घूमने गए थे देहरादून मसूरी चक्राता रोड ट्रिप पे। तो ये पहला पार्ट है हम आपके लिए लाए हैं, ये है देहरादून और सहस्त्रधारा फॉल्स का वीडियो। और बाकी के वीडियोस मतलब बहुत जगह हम घूमे हैं तो धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। ये पार्ट वन है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ये हम निकल पड़े हैं, रास्ते पे है नोएडा से, और हमारे साथ दूसरी फैमिली, हमारे दोस्त, वो सब ज्वाइन हुए हैं नोएडा से। ये हमारी फुल टीम। तो हम चल पड़े हैं देहरादून मसूरी चक्राता रोड ट्रिप पे 4 डेज के लिए। तो हम चल पड़े हैं, एंड सिर्फ हम नहीं घूमेंगे, आपको भी साथ में घूमना पड़ेगा ये वीडियो के जरिए। तो वीडियो के साथ साथ आप भी हमारे साथ घूमिए देहरादून मसूरी चक्राता। तो ये आज देखेंगे देहरादून और सहस्त्रधारा फॉल्स। ओ आकाश ओ पलाश राशि राशि একটু সবুজে চোখ মুছিয়ে দে ঘর ছাড়া মানুষের মনে। एंड हम लगभग पहुंचने वाले हैं। देखिए धीरे दूर पहाड़ ये दिखाई दे रहा है, एंड लाइक इतना अच्छा सीनरी है कि मतलब जो व्यू है इट्स जस्ट ऑसम। तो वो आपको दिखाने के लिए हमने ये यहाँ पे डाला है, बिकॉज रोड ट्रिप पे इज लाइक रोड की जो खूबसूरती है वो मतलब तो दिखाना तो बनता है। तो ये देहरादून हम पहुंचने वाले हैं, देहरादून एंटर करने वाले हैं। तो देहरादून एक दून वैली है, उससे पहले लाइक पहाड़, जंगल एंड सॉन्ग रिवर है उसके मतलब उसके आसपास ही मतलब ये देहरादून बसा है। उत्तराखंड की सब राजधानी है देहरादून एंड सबसे बड़ी सिटी है। एंड मतलब आप उत्तराखंड में कहीं भी घूमने जाओ तो देहरादून लाइक सब लोग देहरादून से ही जाते हैं। लाइक ये बाय रोड बाय ट्रेन वेल कनेक्टेड है। ये सॉन्ग रिवर है आप देख रहे हैं, एंड यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। तो बहुत लोग यहाँ पे आके बाकी जगह डेस्टिनेशन पे घूमने जाते हैं। तो ये हम सॉन्ग रिवर के बगल में से हम जा रहे हैं बाय रोड। देखिए पहाड़, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है एंड इतनी अच्छी ग्रीनरी है, इट्स जस्ट ऑसम। तो अभी ये क्रॉस करने के बाद हम धीरे धीरे देहरादून सिटी में एंटर करेंगे। तो ये नया रोड बना है, एंड देहरादून सिटी एंटर करने से पहले ये टनल बनाया गया है न्यू। इससे बहुत रास्ता बहुत कम हो गया है देहरादून एंटर करने में। तो ये टनल क्रॉस करते ही आपको एक खूबसूरत वैली नज़र आएगा, मतलब नीला नीला आसमान चारों तरफ, हरा हरा, मतलब इट्स जस्ट ऑसम। देखिए एंड चारों तरफ ग्रीनरी एंड इट्स जस्ट सीनिक व्यू इज़ जस्ट ऑसम। तो देख सकते हैं आप, दूर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है और दून वैली। देहरादून सिटी में हम एंटर कर चुके हैं। तो इट लाइक मतलब अगर आप खुद ना देखोगे, लाइक देहरादून में कोई रुकते नहीं है ज़्यादातर, बल्कि यहाँ पे लाइक बहुत सारे होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे अगर देहरादून सिटी आप घूमना चाहो। वैसे घूमने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी है। लाइक मेन चीज़ जो है सहस्त्रधारा फॉल्स, एंड वहाँ पे आप रुक सकते हो या फिर आप मेन देहरादून सिटी में भी रुक सकते हो। बहुत सारे होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने बोला, ये देहरादून सिटी वेल कनेक्टेड है बाई रोड बाई ट्रेन, एंड यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जॉलीगंज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड इसके अलावा लाइक यहाँ से सारे डेस्टिनेशन पे लोग जाते हैं, लाइक मसूरी चक्राता, धनोल्टी, बहुत सारे डेस्टिनेशन, गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत यहाँ से बहुत सारे रास्ते जाते हैं। यहाँ तक भी अब यहाँ से लाइक शिमला, मनाली, यहाँ से बहुत सारे रास्ते वहाँ उधर तक भी जाते हैं। तो ये हम चल पड़े भाई, हमारा डेस्टिनेशन क्योंकि मसूरी है मेनली, तो बीच में सहस्त्रधारा देख के हम मसूरी में हॉल्ट करेंगे। तो ये सहस्त्रधारा के रास्ते में है। सहस्त्रधारा देहरादून मेन सिटी से 11 किलोमीटर दूर है। तो वो भी धीरे धीरे हम पहाड़ों में चल रहे हैं। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करे, वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें,
ऐसी जगह पे ऐसे गाने याद आ ही जाते हैं। तो हमने भी आपको दिखाया, ये हम पहुंच चुके हैं शस्त्रधारा फॉल्स के पास। देखिए चारों तरफ पहाड़, इतनी अच्छी ऑसम व्यू एंड इट्स जस्ट ऑसम। ये पार्किंग एरिया है जहाँ पे बसेस, बाहर की जो कार से वो पार्किंग होती है, इसके आगे आपको या तो पैदल चलना पड़ेगा या लोकल कन्वेंस करना पड़ेगा। लोकल गाड़ियाँ जो वहाँ की प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वही जाती है अंदर तक। हम लोग यहाँ से पैदल जाने वाले हैं अब शस्त्रधारा फॉल्स। यहाँ से लगभग आपको 500 मीटर्स टू 700 मीटर पड़ेगा, तो हम चलेंगे। एंड ये बीच बीच में देखिए, आपको पूरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बीच में देखिए, रास्ते के बीच में एक फॉल्स दिखा हमको, क्योंकि हम बारिश के मौसम में गए थे। एंड बारिश के मौसम में अगर फॉल्स देखने कहीं पे जाना हो, वाटरफॉल देखने जाना हो, तो इट्स लाइक बारिश के मौसम में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये हम क्योंकि हम शूज़ वगैरह पहने थे तो क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने क्रॉस किया धीरे धीरे। देखिए, और ये है कालीगढ़ नदी, जिससे सहस्त्रधारा फॉल्स जहाँ से हुआ है, ये कालीगढ़ नदी इसी में पानी में बह रहा है। एंड जो फॉल्स हम देखने जा रहे हैं सहस्त्रधारा फॉल्स, ये बोला जाता है ऋषि द्रोणाचार्य ने, लाइक द्रोणाचार्य आपको पता होंगे। ये देखिए आवाज़, ये मतलब इसके आगे मतलब पूरा वैली पे आपको सिर्फ ये नदियों की आवाज़ गूंजेगी। ये आवाज़ लाइक आपको सुनाने की कोशिश किया है, एंड अगर आवाज़ सुनाएंगे तो ये हमारी पूरी टीम धीरे धीरे चल पड़ी है शस्त्रधारा की तरफ, मेरी बेटी एंड हम सब लोग। देखिए लाइक इट्स जस्ट, ट्रिप तो बहुत ही अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया। बाकी के पार्ट में भी आप देखेंगे, बाकी के पार्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बाद में। एंड ये देखिए हम चल पड़े हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको जाएंगे तो ये कालीगढ़ नदी आपको दिख जाएगा। ये भी सौंग रिवर में ही जाके मिलता है, एंड सौंग रिवर फिर जाके गंगा में मिलता है। तो ये सारे नदियाँ वेल कनेक्टेड हैं। एंड इसके पास मतलब अब जाए तो हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, तो हम सिर्फ शस्त्रधारा फॉल्स घूम के फिर मसूरी की तरफ चल पड़े। ये शस्त्रधारा मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे एंड आपको फॉल्स जो वाटरफॉल मेन जो है वो दिखाएंगे। इसकी खासियत हम आपको बाद में थोड़ी देर बाद में बताएंगे, आप अभी यहाँ के जो चारों तरफ जो ब्यूटी है वो एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं शस्त्रधारा। एंड इसका नाम शस्त्रधारा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है ये पूरा लाइमस्टोन का है, और लाइमस्टोन में लाइक 100 ग्लिम्स ऑफ वाटर गिरते रहते हैं, तो मतलब शस्त्र धाराएँ बहती रहती है, इसीलिए इसका नाम है शस्त्रधारा। मतलब हज़ारों धाराएँ बहती है इसलिए शस्त्रधारा। एंड ये जो धाराएँ हैं इसमें लाइक सल्फ्यूरिक वाटर है, तो ये मतलब आपके जो स्किन की प्रॉब्लम है वो ठीक करने में बहुत अच्छा होता है, इसीलिए सारे लोग आके यहाँ पे ज़्यादातर नहाना प्रेफर करते हैं। हमने नहाया नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और हम प्रिपेयर होके भी नहीं आए थे, तो हमने जस्ट इसका पानी लाइक जहाँ पे भी हो सके हाथ पैर या मुंह पे लगा लिया। एंड यहाँ पे हम आपका द्रोणाचार्य केव भी है, द्रोणाचार्य जी ने जहाँ पे तपस्या किया था शिव जी का, वहाँ पे शिव जी की मूर्ति है केव में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एंड तो चलते हैं शस्त्रधारा, जो असली ब्यूटी है वो आपको दिखाते हैं। ये जो हम पहले कालीगढ़ नदी हम क्रॉस करेंगे बाय ब्रिज, उसके बाद हम शस्त्रधारा तक पहुँचेंगे। ये देखिए, ये आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होगी, वहाँ पे भी हमें चिल्ला चिल्ला के बातें करनी पड़ रही थी, बिकॉज नदी की जो आवाज़ है जस्ट मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
तो हम सहस्त्रधारा वाटरफॉल्स के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे मतलब पूरे पहाड़ी में आप गुफाएं हैं, जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वो भी घूम सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये है शाही मंदिर जो कि पहाड़ों के ऊपर है, और वहाँ पे जाने के लिए रोपवे भी है। हमारे पास टाइम कम था और इसलिए हम लोग गए नहीं, हम आपको दूर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सहस्त्रधारा के पास ही आपका लाइक पार्किंग एरिया है, वहाँ पे लाइक फॉल्स है, वहाँ पे नहाने की व्यवस्था की गई है, वो भी हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं इस वीडियो में। जो मेन सहस्त्रधारा वाटरफॉल है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे लाइक अम्यूजमेंट पार्क भी बनाया गया है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे आके एक दिन रुक सकते हैं। बहुत सारे होटल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास टाइम कम था तो हमें ये सहस्त्रधारा फॉल्स घूम के हमको मुसौरी जाना था। मुसौरी का मतलब अगले वीडियो में आप मुसौरी का पार्ट देखेंगे। ये देखिए डॉगी, हमें बहुत अच्छा लगा। ये पहाड़ियों में लाइक ये ऐसे डॉगी जो हम घर में पालते हैं ये वहाँ पे नॉर्मल है, आपको दिख जाएंगे। एंड इसके अलावा लाइक चारों तरफ की जो ब्यूटी है आप खुद ही देख रहे हो, इट्स जस्ट ऑसम। तो आप खुद एक बार जाइए, एक बार मतलब सहस्त्रधारा फॉल्स मतलब अगर एक बार चांस मिले तो बहुत अच्छी तरह से घूमिएगा। एंड ये हम लोग वहाँ की ब्यूटी एंजॉय कर रहे हैं, तो अभी हम आपको दिखाएंगे सहस्त्रधारा। ये देखिए मैंने प्राचीन द्रोण गुफा शिव मंदिर, यहाँ पे द्रोणाचार्य जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी, तो ये गुफा हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले हम दिखाते हैं सहस्त्रधारा फॉल्स। ये देखिए द्रोणाचार्य जी की मूर्ति, यहाँ पे पूजे जाते हैं। एंड ये जो मैंने बताया था सहस्त्रधाराएँ बहती है, हज़ारों धाराएँ बहती है, इसीलिए इसका नाम है सहस्त्रधारा वाटरफॉल्स। ये देखिए वाट एंड ब्यूटी, मतलब वहाँ पे हम लोग शाम के टाइम पे गए थे एंड थोड़ी थोड़ी धूप गिर रही थी एंड मतलब उसमें जो अच्छा सा व्यू आ रहा था, अच्छी सी फोटोजेनिक व्यू आ रही थी सहस्त्रधारा फॉल्स की, वो हमने कैप्चर करने की कोशिश किया है। आई होप आप भी एंजॉय कर रहे हो। तो आपके पास अगर टाइम है मतलब थोड़ा सा टाइम लेके जाइएगा तो बहुत कुछ घूमने का है। यहाँ पे आप आराम से नहा सकते हो, ये जो मैंने बताया ये वाटर में सल्फर है, तो इससे आपकी लाइक कोई भी स्किन की डिजीज़ बहुत मतलब इसमें नहाते हैं तो स्किन की डिजीज़ ठीक हो जाती है। ये देखिए सहस्त्रधारा फॉल्स ऊपर से गिर रहा है एंड ये पूरा पहाड़ में है, लाइमस्टोन से बना हुआ है एंड ऊपर जाने का रास्ता है। देखिए थोड़ी थोड़ी गुफाएं भी दिख रही है, तो ऐसे प्राकृतिक गुफाएं ऊपर बनी हुई है जो कि मतलब नेचुरल है एंड वहाँ पे भी जाने का रास्ता है। लाइक हम लोग नहाने के प्लान से तो गए नहीं हैं तो इसीलिए हम ऊपर जा नहीं पाए। आपको ड्रोन गुफा वगैरह हम दिखाएंगे, लेकिन प्राकृतिक गुफाएं अगर आप बाद में कहीं आप प्लान कर सकते हो तो जा सकते हैं। देखिए सब जा रहे हैं। तो उसके अलावा भी आप यहाँ के नज़दीक टपकेश्वर महादेव मंदिर है, वो भी मतलब गुफा के अंदर है। हम बच्चे साथ थे, मतलब बच्ची के लेकर नहीं जा सकते तो इसलिए नहीं गए, आप ज़रूर जा सकते हैं। हम आपको प्राचीन द्रोण गुफा जो शिव मंदिर है वो आपको दिखाएंगे एंड आपके भगवान शिव जी के दर्शन करवाएंगे, जो कि वहाँ पे एक्चुअली वीडियो एंड फोटो लेना मना है, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे आपको वीडियो लेकर आपको दिखाने की कोशिश किया है। ये देखिए जो मेन मंदिर है एंड वहाँ पे जैसे चारों तरफ पानी गिर रहा है तो ये मतलब गीला गीला सा है, मतलब ध्यान से चलना पड़ रहा था बिकॉज़ अगर थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से चलेंगे तो फिसलने का डर है, बिकॉज़ चारों तरफ पहाड़ी से कहीं ना कहीं से पानी गिर रहा है, तो इसीलिए इसका नाम सहस्त्रधारा है। तो ये देखिए ये ऊपर से पहाड़ी से पानी गिर रहा है, ये सारा नेचुरल वाटर है एंड इस पानी को पी भी सकते हो। मतलब जो बिसलरी जो वाटर बोलते हैं मिनरल वाटर, ये मिनरल वाटर वो सेम चीज़ है एंड ये माँ काली का मंदिर है एंड ऊपर जाके हम आपको शिव जी का मंदिर दिखाएंगे। तो
तो ये बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है गुफा के पास, लेकिन गुफा हम आपको ले चलते हैं एंड वो देख के हमारा मन तृप्त हो गया। ये देखिए, ये है जो नेचुरल प्राकृतिक गुफा जहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है एंड द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पे तपस्या किया था। ऊपर देखिए लाइमस्टोन से पानी टपक रहा है, नीचे शिव जी की मूर्ति है, वहाँ पे शेषनाग जी की मूर्ति है एंड वहाँ पे पानी गिरता है हमेशा, तो इट्स जस्ट ऑसम। एंड ये हमने कोशिश किया है कि मतलब नहा तो नहीं सकते लेकिन हाथ पैर मतलब और फेस में हम पानी देने की कोशिश किया है, बिकॉज सब बोल रहे थे कि सल्फ्यूरिक वाटर एंड ये स्किन डिजीज के लिए अच्छा होता है, तो हमने भी थोड़ा सा महसूस किया है एंड थोड़ा सा एंजॉय भी किया है। लाइक वाटरफॉल में आए तो वाटरफॉल अगर पानी से हम ना खेले तो वाटरफॉल में आने का फ़ायदा क्या है। तो ये मेरी बेटी को भी ले जाया गया थोड़ा सा पानी लगाने के लिए, उसको नहला तो नहीं सकते, शी इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग एंड नई जगह आके देख रही है चारों तरफ की क्या है हो रहा है क्या है ये सब। शायद उसको याद नहीं रहेगा, ये वीडियो बाद में देख के याद कर लेगी। एंड तो ये है शस्त्रधरा फॉल्स, हम लगभग घूमना पूरा कर चुके हैं। देखिए बहुत लोग मतलब मैंने जो बताया नहाने के लिए इधर आते रहते हैं, यहाँ दूसरी जगह भी थोड़ा सा आगे जाके भी नहाने के उत्तम व्यवस्था है, वहाँ पे भी लाइक फॉल्स धीरे धीरे गिरता है तो वहाँ पे लोग पौंड छोटे छोटे पौंड बने हुए हैं, लोग नहाते हैं। हम थोड़े से जहाँ पे खाली था मेन जो जगह शस्त्रधरा फॉल्स है वहाँ पे हम लोगों ने वीडियो दिखाया आपको। एंड ये देखिए, ये आपको एक बार जाना चाहिए, इसको मतलब आँखों से खुद के आँखों से देखना चाहिए, वीडियो देखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो ये शस्त्रधरा फॉल्स घूमना हमारा पूरा हो गया है, अभी हम वापस जा रहे हैं, तो बाई रोड हमारा जो ट्रिप है वो हम पूरा करेंगे एंड अगले पार्ट में आपके लिए लाइक मुसौरी का वीडियो लाएंगे। मुसौरी हम यहाँ से जा रहे हैं, देहरादून में हम रुकेंगे नहीं, तो हम यहाँ से पहले जाएंगे मुसौरी, मुसौरी में रुक के घूम के फिर हम जाएंगे चकराता। तो ये हमारा पार्ट वन था, तो पार्ट टू भी धीरे धीरे जल्दी आ जाएगा। एंड देखिए हम लोग वापस जा रहे हैं हमारा शस्त्रधरा फॉल्स, मतलब फिर से आने की एक इच्छा लेके, क्योंकि बहुत अच्छा लगा हमें एंड आई होप कि बाद में आके हम यहाँ पे बाकी सब कुछ और भी कवर करेंगे। एक बार अगर हो सके तो यहाँ पे एक दिन रुकेंगे भी, क्योंकि हमें ये चारों तरफ की जो सीनिक व्यू है वो बहुत अच्छा लगा एंड हमने बहुत इन्जॉय भी किया। हो सके तो बाद में आके यहाँ पर नहाएँगे भी एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला आप रुक सकते हो एक दिन दो दिन जितने दिन चाहे, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, होटल्स खाने का रहने का अच्छे होटल्स भी है, रेस्टोरेंट्स भी है एंड घूमने तो ऑब्वियसली घूमने की जगह के मतलब कोई कमी नहीं है। मतलब आप अगर वाटरफॉल्स के पास या नदी के किनारे आप बैठे भी रहोगे सारा दिन आपका ऐसे ही गुजर जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि लोग इसके बारे में जान पाए एंड लोग और भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जाए घूमने। ये है आपका कालीगढ़ नदी जो शस्त्रधरा फॉल्स से गुजर के आ रही है एंड ये जाके सोंग रिवर पे मिलेगा और सोंग रिवर जाके गंगा नदी पे मिलेगा। तो ये शस्त्रधरा का फॉल्स का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं यहाँ पे लाइक थोड़ा सा चाय नाश्ता करके हमने यहाँ से निकल पड़े हैं मुसौरी के लिए। मुसौरी पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गया है, तो अगले पार्ट में आप देखिएगा मुसौरी का, पहले हम नाइट के वीडियो व्यू से स्टार्ट कर देंगे एंड उसके बाद बाकी का वीडियो देखेंगे। तो क्योंकि हम चल पड़े हैं, तो एज़ यूज़ुअल प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल में और भी ट्रैवल ब्लॉग्स है वो आप देख सकते हो, उसके अलावा भी बहुत सारे मज़ेदार वीडियोज़ है आप देख सकते हो। तो आप जाइए एक बार घूम के आइए शस्त्रधरा फॉल्स, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और हमें बताइएगा कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फ्रॉम माच मिस्टी मोर, थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू।